हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आप जल्दी जल्दी आ जाइए, क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, सामाजिक अध्ययन, अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। इससे पहले हमने पार्ट वन अच्छे से डिस्कस कर लिया है और आज इसकी सेकेंड क्लास है, पार्ट टू। ठीक है, आज हम पार्ट टू यानी 30 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 29 क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस इसमें कर लिए हैं। तो आप भी जल्दी आ जाइए सभी स्टूडेंट। देखिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप इसको मेरे साथ रीड करिए, आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था। तो आप बताइए इसका आंसर, मैं आपके कमेंट पढ़ रही हूँ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट, राइट आंसर बृहदर्थ। ठीक है, जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट था, जब आप मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये वहाँ क्वेश्चन मिलेगा, तो आप समझिए कि आप जो आप पढ़ रहे हो उसमें से क्वेश्चन कैसे और कहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है, तो गुप्त संवत कब से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 319 ईस्वी से। ठीक है, गुप्त संवत का प्रारंभ कब से हुआ, 319 ईस्वी से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दशावतार मंदिर है, तो दशावतार मंदिर बताइए आप कहाँ है, भूमरा में, देवगढ़ में, खुजराहो में या भितरगांव में। चलो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दशावतार मंदिर है देवगढ़ में। ठीक है, यह भगवान विष्णु का मंदिर है और देवगढ़ कहाँ है, देवगढ़ है बुंदेलखंड में। ठीक है, देवगढ़ कहाँ है, बुंदेलखंड में, और जो दशावतार मंदिर है भगवान विष्णु का मंदिर है। दशावतार मंदिर को औरंगजेब ने खंडित करवा दिया था, जब इनका शासन था, अंग्रेजों का शासन आया था, तो औरंगजेब के समय औरंगजेब ने इसको खंडित, भगवान विष्णु को मंदिर को खंडित करा दिया था। तो देखिए ये नीति है जो हमारी, ये बहुत पहले से है, हिंदू मुस्लिम और ये वाली चीज़ें, मंदिर मस्जिद। ठीक है, तो मंदिर को औरंगजेब ने खंडित करा दिया था। ठीक है, तो देखिए जब आप इनको डिटेल में पढ़ोगे, आपको बहुत इंटरेस्टेड लगेगा ये सब्जेक्ट। अभी आपको थोड़ा टफ लगता है कि मैम कैसे याद करें, याद नहीं रहता है ये वो। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले तो क्वेश्चनों का बेस समझें। ठीक है, कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे ये है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाल वंश की स्थापना किसने की। ठीक है, तो आप बताइए, यह क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है, पाल वंश की स्थापना किसने की। वेरी गुड, आप सभी का राइट आंसर है इसका, पाल वंश की स्थापना की गोपाल ने। सो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम जब डिस्कस करेंगे, जब हम इसको पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ से पता चलेगा सबसे पहले कि पाल वंश की स्थापना किसने की। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उसमें से क्वेश्चन का बेस किस टाइप का, आप एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, आपको वो चीज़ें पता चलेगी ये मल्टीपल क्वेश्चन को पढ़ने से। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के पिता थे, आप सभी को इसका आंसर पता होगा, सम्राट अशोक के पिता कौन थे। वेरी गुड, सभी का राइट आंसर है इसका, तो सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। ठीक है, कौन थे, बिंदुसार। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और देखिए जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन है कि अशोक के पिता कौन थे, हो सकता है पूछ लिया जाए कि बिंदुसार के पिता कौन थे, आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो बिंदुसार के पिता कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य थे। ठीक है, तो आप इस ऐसे याद कीजिए। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि जैसे अशोक के पिता कौन थे, बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो फिर ये कौटिल्य का भी जिक्र आता है, मौर्य साम्राज्य में कौटिल्य कौन थे। देखिए कौटिल्य के कई नाम थे, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, ये इन्हीं के ही नाम थे, और कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं,
तो आपको किस तरीके से पढ़ना है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो कौटिल्य के बारे में जाना हमने, कौटिल्य चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये एक ही नाम है, और कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र के नाम से भी, अपने अर्थशास्त्र के नाम से जाने जाते हैं। और जो कौटिल्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे उस समय में, ठीक है। तो आपको इसको इनको इस तरीके से पढ़ना है, तब आपको इंटरेस्टेड लगेगा ये, और आप इससे कभी बोर नहीं होंगे, ठीक है। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ की गुफाएं हैं, तो बाघ की गुफाएं कहाँ है बताइए इसका राइट आंसर। बाघ की गुफाएं इसका राइट आंसर है सेम मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक है, तो मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है, जल्दी से इसका राइट आंसर टाइप कीजिए आप सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विशाख दत्त, विशाखा दत्त, ठीक है। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे, विशाखा दत्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की भाषा थी, तो गुप्त काल की भाषा पाली, हिंदी, प्राकृत या संस्कृत बताइए आप सभी। मैं बताती हूँ इसका आंसर, गुप्त काल की भाषा थी संस्कृत, ठीक है। जो गुप्त काल की भाषा थी वह थी संस्कृत। तो देखिए सबसे पहले कौन सी भाषा आई, संस्कृत। संस्कृत के बाद फिर कौन सी भाषा, पाली, ठीक है। आप समझिए इसको जरा थोड़ा, पाली के बाद कौन सी भाषा, प्राकृत भाषा, ये आपको हिंदी में भी पढ़ने को मिलेगा और वहाँ भी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। और प्राकृत भाषा के बाद कौन सी भाषा का जन्म हुआ, अपभ्रंश, अपभ्रंश, ठीक है। और अपभ्रंश से हुआ हिंदी भाषा का, ठीक है, हिंदी भाषा का विकास। तो देखिए सबसे पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आए, ऐसे भी आ सकता है, मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है कि संस्कृत के बाद कौन सी भाषा का विकास हुआ, संस्कृत, या पाली भाषा का विकास किस भाषा से हुआ, संस्कृत से हुआ। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, रटना नहीं है, ओके। तो अब देखिए क्वेश्चन था हमारा, गुप्त काल की भाषा थी संस्कृत, ठीक है। और जो हिंदी भाषा थी, हिंदी भाषा का जो सही विकास हुआ है वो 1050 से हुआ, और गुप्त काल है 300 ईस्वी के बीच का, ठीक है। तो जब आप इसको गुप्त काल को डिटेल से पढ़ेंगे वहाँ आपको पता चल जाएगा। तो आप इसे भी लॉजिक से लगा सकते हैं, जैसे आपको डायरेक्ट संस्कृत नहीं पता है तो आप इसको लगा सकते हैं कि सबसे प्राचीनतम भाषा थी संस्कृत, तो इसका राइट आंसर ही संस्कृत हो जाएगा, ठीक है। तो कहने कहते हैं इसको समझना पड़ता है क्वेश्चन को, और तब सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई, तो इसका आंसर बताइए आप। जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे, फिर किसी को शिकायत नहीं रहेगी कि हम मैम हम भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज राजसों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई, तो बताइए किससे हुई इसका राइट आंसर। तो जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई पृथ्वीराज राजसों के अनुसार प्राचीन क्षत्रियों से, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राचीन क्षत्रियों से। वो देखिए पृथ्वीराज राजसों ने एक रचना लिखी थी, तो वो क्या थी, चंदबरदाई, ठीक है। जो इनकी रचना थी चंदबरदाई, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पृथ्वीराज राजसों की रचना थी चंदबरदाई, और इनके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई प्राचीन क्षत्रियों से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, तो बताइए इसका राइट आंसर आप सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दे, दिल्ली में, ठीक है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है दिल्ली में, पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कांची, ठीक है। जब आप पल्लवों के बारे में, पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, तब आपको वहाँ अच्छे से ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था कांची,
और देखिए पल्लवों की जो राजधानी थी वह भी कांची थी, ठीक है, राजधानी, सॉरी राजधानी, जो पल्लवों की राजधानी थी वह भी कांची थी, और यो पल्लवों का बंदरगाह का था कांची ही था, और जो पल्लवों का शासक था, जो पल्लवों का शासक था वे थे बप्पा बप्पा देव, बप्पा देव, ठीक है। आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से रीड करने हैं, अभी आप समझिए बस क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं आपके एग्जाम में और कैसे आपको तैयारी करनी है और आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में प्रांत को कहा जाता था, सल्तनत कांत में कासोरी काल में पराजय को क्या कहते थे, इकता, ठीक है, राज्य नहीं, परगना नहीं, सिख नहीं, सल्तनत काल में आपको याद रखना है कि सल्तनत काल में क्या कहते थे, इकता। ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप नापने की इकाई है, तो भूकंप नापने की क्या इकाई है, इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, वेरी गुड, आप सभी ने सही आंसर बताया, इसका भूकंप नापने की इकाई है जो है रिक्टर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर है, संगमरमर क्या है, रूपांतरित शैल है, पर्तदार शैल है, आग्नेय शैल है या मिट्टी है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपके मॉडल पेपर में इसको गलत दे रखा है क्वेश्चन को, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपांतरित शैल, जो संगमर है यह चूने पत्थर से बनती है, ठीक है, रूपांतरित शैल होती है जिन शैलों का रूपांतरण होता है, ठीक है, तो चूने पत्थर से किसका निर्माण हुआ, संगमरमर का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा रूपांतरित शैल, ठीक है, ये किससे बनता है, चूना पत्थर, सॉरी चूना पत्थर, चूना पत्थर से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल से उठे हुए विशालतम भूभाग को कहते हैं, देखिए यहाँ पर फोकस कीजिए, यहाँ पर बोला गया है समुद्र तल, ठीक है, समुद्र तल से उठे ऊपर विशालतम भूभाग को क्या बोला जाता है, बताइए इसका आंसर, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा महाद्वीप, ठीक है। देखिए जो नदियों वगैरह में टापू से उठे रहते हैं वे द्वीप होते हैं छोटे छोटे, और यहाँ समुद्र तल से ऊपर उठे विशालतम, अगर ये विशालतम भूभाग होगा तो इसे कहा जाएगा महाद्वीप, ठीक है, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में इसके ये विशालतम भूभाग उठे हुए हैं, ठीक है, जैसे यूरोप महाद्वीप हमने इनको बोल दिया, नाम दे देगा यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर महाद्वीप, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, बताइए आप इसका आंसर क्या है, जो सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, ठीक है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, हिंद महासागर, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्वों को किस सिद्धांत से, सॉरी किस देश से लिया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आयरलैंड के सिद्धांत से, आप सभी को ये भी याद करना है कि फ्रांस से किन किन अनुच्छेदों को लिया गया है, क्या क्या किस किस को लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से किसे लिया गया है, ठीक है, रूस के संविधान से क्या क्या अपने संविधान में हमने जोड़ा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में, आप यहाँ से समझिए थोड़ा, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व, ठीक है, अगर दोनों का है तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था में होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, राइन नदी, मिसिसिपी नदी, अवांगो नदी या नील नदी, वेरी गुड आंसर, आप सभी ने इसका सही आंसर दिया है नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। अब देखिए नेक्स्ट, पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है, 1/4, 3/4, 1/3 या 2/3,
इसका राइट आंसर हो जाएगा 2/3। आप सभी ने इसका सही आंसर बताया है, यानी 75% भाग पर जल है, पृथ्वी के 75% भाग पर जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है? तो वो कौन सा महाद्वीप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा ऊपर साइड, भूमध्य रेखा बिल्कुल बीचों बीच, और मकर रेखा नीचे, ठीक है, भूमध्य रेखा से नीचे होते हैं, मकर रेखा गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? वेरी गुड, राइट आंसर है इसका 3। जो सबसे बीच का भाग है उसको कहा जाता है कोर, जो सॉरी सबसे नीचे का भाग है उसे कहा जाता है कोर, और जो मध्य का भाग होता है उसे कहा जाता है मेंटल, और जो ऊपरी भाग होता है वो पर्पटी होता है, ठीक है, जिस पर हम रहते चलते फिरते खेती करते हैं, ठीक है, जिस पर जीवन होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है? आप बताइए इसका राइट आंसर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है? वेरी गुड, देखिए आपने इसका आंसर सही बताया है, लोह तत्व, ठीक है। तो देखिए जैसे चुंबक है, चुंबक का संबंध किससे होता है? लोहे से होता है, तो आप इसको यहाँ लॉजिकली समझ सकते हो, ठीक है। तो पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है? लोह तत्व के कारण पाया जाता है। अब चट्टानों के कितने प्रकार है, या चट्टाने कितने प्रकार की होती हैं, बताइए इसका राइट आंसर। इन सभी को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, इनके प्रकार, चट्टानों के प्रकार और उनके गुणों के बारे में। जैसे अवसादी चट्टाने होती है, ठीक है, रूपांतरित चट्टाने होते हैं, तो उनके बारे में अच्छे से डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टाने हैं, रूपांतरित चट्टाने बताइए कौन सी है? मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी बताया है ऊपर थोड़ी देर पहले की, रूपांतरित चट्टाने संगमरमर, ठीक है, इन सभी में रूपांतरित चट्टाने क्या हो जाएगी? संगमरमर। संगमरमर किससे बनता है? चूना पत्थर से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? देखिए यहाँ जीवाश्म की बात की गई है कि किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टाने, ठीक है, अवसादी चट्टाने अग्नेय शैल से अवसादी चट्टाने होती है, और इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में जीवाश्म पाया जाता है, ठीक है, अवसादी चट्टानों के बीच में। और रूपांतरित चट्टाने होती है, रूपांतरित देखिए वर्ड से ही समझ आ रहा है कि जो चट्टाने चेंज हो जाती है, जैसे चूना पत्थर से क्या बन गया, संगमरमर बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार हम इनको समझ सकते हैं। तो किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है, ठीक है, आप बताइए इसका आंसर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ए पटल विरूपणी, ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिए क्वेश्चन को। महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल, महाद्वीपों और संलग्न बल, वर्ड पर फोकस कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महमूद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सै 12वीं सदी में, महमूद गोरी ने 12वीं सदी में भारत पर आक्रमण किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन, आप सभी ने इसको बहुत बार पढ़ा होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया है? आप सभी को तो इसका आंसर पता होना चाहिए, 2.5 दिन का झोपड़ा बहुत प्रसिद्ध है। तो इसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दास वंश कहा जाता है, दास वंश किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब वंश को, ठीक है, गुलाब या सॉरी गुलाम या दास, ठीक है, आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, दास वंश कहा जाता है गुलाम वंश को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम शासक था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकु बाद, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुल रुखी उपनाम से कविताएं कौन सा शासक लिखता था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा द सिकंदर लोदी, गुल रुखी, ठीक है,
गुलू रुकी उपनाम से कविताएं कौन सा शासक लिखा करता था? तो इसका आंसर क्या है? सिकंदर लोदी। देखिए आप बार बार इसको पढ़ेंगे ना, एक दो बार ऐसे रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। एक या दो बार आपको इसको पढ़ना बोलना है, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत कहलाते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शायद सूफी संत। सूफी संत के बारे में आपने सुना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने किस संस्कृत विद्वान की सहायता ली? तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है माधव विद्यारण, ठीक है? क्या है? माधव विद्यारण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़े हार्ड से क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, बट आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं बार बार यही सजेस्ट करती हूँ आपको कि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये अच्छे से लर्न हो पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा का परिक्रमण पत्र है, तो इसका राइट आंसर आप बताइए जल्दी से। वेरी गुड। दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है? दीर्घ वृत्ताकार। चंद्रमा का जो परिक्रमण है वो पृथ्वी की दीर्घ वृत्ताकार में परिक्रमा करता है, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति को क्या कहते हैं? बताइए। पृथ्वी से निकट स्थिति कहलाती है एपोजी, ठीक है? क्या? एपोजी। आप इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपोजी। और चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है, देखिए कितना ये क्वेश्चन दे रखा है, चंद्र ग्रहण की घटना होती है तो आप सभी को पता होगा। वेरी गुड आंसर। से पूर्णिमा को जो चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है, चंद्र ग्रहण तो कब होता है? पूर्णिमा को। और पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह है, पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? द चंद्रमा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बरनसोत पर्वत का निर्माण होता है तो किससे होता है? तनाव बल से, ठीक है? अच्छे से आपको क्लियर हुआ? बरनसोत पर्वत का निर्माण होता है तनाव बल से, ठीक है? ये सभी चीज़ें हम जो इसी में सोशल साइंस में ही बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वलन के किस प्रकार के चट्टानों का क्रम ही उल्टा हो जाता है? वलन के किस प्रकार में, ठीक है? जो वलन के कई प्रकार होते हैं, तो वलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उल्टा हो जाता है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक अधिक अधिशिक्षिप्त वलन, ठीक है? तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये यूजफुल लगी है वीडियो, तो आप इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ में